इश्यूज जो हैं उन इश्यूज को भी नए ढंग से आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, वही पुराने इश्यूज। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात चलती है, ये संविधान बदल देंगे, अव्वल तो कोई बदल नहीं सकता, इसलिए कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है संविधान का, यू कैन नॉट टच दैट, बट दैट डजंट मीन आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट तो कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी के आने से पहले 102 बार हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो चुका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक कितना पुराना था? 70 साल पुराना। 70 साल पुराने भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं 102 बार। अगर यह पाप है संशोधन करना, तो पिछली तमाम सरकारों ने पाप किया। आगे भी अगर नई सरकार आके उसमें कुछ संशोधन करती है, तो अगर वो गलत है तो इससे पहले भी गलत था। लेकिन बुनियादी तौर पे सोचिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलमोस्ट 250 इयर्स ओल्ड। उसमें टोटल कितने संशोधन हुए मालूम? अमेंडमेंट हुए 17। 250 साल में अमेरिका के संविधान में सिर्फ 17 बार संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, जबकि भारत के संविधान में मोदी के आने से पहले तक 102 बार 70 साल में संशोधन हो चुके हैं। 106 संशोधन जो है वो महिला विधेयक है जो पेंडिंग है, मेरे को पास हो गया है 106 अमेंडमेंट है, जाते मुझे याद आ रहा है। तो आगे भी अगर नई सरकार मोदी अगर तीसरी बार आते हैं और वो संविधान में कुछ संशोधन करते, तो कोई पाप नहीं है। अगर ये पाप है तो पहले आपने पाप किया है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं। अब इस चीज को आज का जनरेशन समझता है, जानता है। वो बोला ठीक है जी, संविधान में थोड़ा चेंज कर, तो क्या फर्क पड़ता है साहब? और आपका मेन इश्यू वही है, आज का जो जेन जी है ही डजंट बॉदर। वो बोलता है कि ठीक है साहब, उसमें कर कुछ कुछ गलत है तो चेंज कर दो। इतना बदला, वो इतना फ्रेश माइंड का है वो, उसमें आप जबरदस्ती आइडिया डाल रहे हो, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, और नहीं घुसेगा तो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा तो आपको वोट नहीं देगा।